Hey, what's up guys, welcome back to my YouTube channel DTX Blog. So guys, आज के वीडियो में हम कैप्चर करने वाले हैं लोगों का रिएक्शन, कि लोगों का रिएक्शन कैसा होता है एक ब्लॉगर पे जब वो एकदम पब्लिक में वीडियोस बनाता है, तो लोग कैसे रिएक्शंस देते हैं उस पर. तो इस पर आज मैं एक वीडियो बनाऊंगा. तो आज बुआ जाने वाला हूँ मैं, तो पूरे रास्ते में कितने लोग मुझे मतलब देखते हैं, मतलब ब्लॉगिंग में कितने लोग रिएक्ट करते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे देखते रहते हैं जब कोई ब्लॉग करता है तो ब्लॉगर. सो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट. तो अभी मैं आया हूँ स्टेशन पे, अभी ट्रेन आने वाला है, 11 में ट्रेन है. अभी टाइम हो रहा है आपका 10:36, तो 11 o'clock में जो है वो ट्रेन आने वाला है. मैं थोड़ा टाइम से जल्दी आ गया क्योंकि मुझे ब्लॉग शूट करना था. तो अभी ट्रेन आएगा, ट्रेन के अंदर भी मैं आपको रिएक्शंस दिखाऊंगा. स्टेशन में देखते हैं, अगर आदमी ज़्यादा हुए तो यहाँ पे भी मैं आपको रिएक्शंस दिखाऊंगा. मैंने पूरा स्टेशन छान मारा, पर स्टेशन में ज़्यादा लोग नहीं है, बस स्टाफ ही है स्टेशन में, और ऐसे बाहर के कोई पब्लिक वब्लिक कोई नहीं है स्टेशन में. तो रिएक्शंस जो है वो कैप्चर नहीं हो पाएंगे. तो सीधा आपसे मिलता हूँ मैं ट्रेन में. ट्रेन में आपको सारे रिएक्शंस जो है वो सब दिखाऊंगा. तो तब तक के लिए करिए वेट. सो गाइस, मैंने आपको जो है ये नहीं बताया कि मैं बुआ करने क्या जा रहा हूँ. तो बुआ में मेरे मामा के घर में थोड़ा सा काम है, तो मेरे जो फैमिली मेम्बर्स है वो लोग पहले ही चले गए हैं. वो लोग सुबह गए, एकदम सुबह गए, तो उतना सुबह तो मैं उठा नहीं था, इसलिए मैं नहीं जा पाया. तो फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, तो मम्मी बोला 11 बजे ट्रेन है, तो उससे आ जा. तो अभी फिर से मैं 11 बजे ट्रेन है यहाँ पे, तो उससे जाने वाला हूँ. वो आया हूँ वहाँ पे स्टेशन में उतर के मैं भैया को कॉल करूँगा, तो भैया वहाँ से मुझे पिक करने आएंगे. और जो मेरे यहाँ पे कलर्स लगे उस पर ध्यान ना ही दीजिए, क्योंकि कल में तो आपको पता ही है, कल दशहरा था और वहाँ पे बहुत सारे कलर मतलब कलर से खेले लोग, तो मुझे भी मतलब लगा दिया उन्होंने. पिछले वाला ब्लॉगर आपने नहीं देखा है वहाँ पे क्या क्या हुआ था, तो मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि पिछले वाले ब्लॉग में जो है वो क्या क्या हुआ था. तो उसके बाद आगे अभी ट्रेन आने वाला है, ट्रेन आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, और 5 से 10 मिनट है, तब तक थोड़ा वेट करते हैं. A few moments later. तो गाइस, ट्रेन जो है वो आ गया, तो अब देखते हैं अंदर जाके लोगों का रिएक्शन कैसा होता है. तो अभी हम ट्रेन के अंदर आ चुके हैं और ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो चुका है. तो अभी आगे बढ़ के देखते हैं क्या होता है. बहुत अच्छे रिएक्शन आ रहे हैं यहाँ पे. तो गाइस, ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो गया, आप मेरा पीछे देख सकते हैं. यहाँ पे ट्रेन स्टार्ट हो गया है, और अभी पता नहीं क्या बोलूँ, पर इनको तो दिखाने होगा. तो अभी हम यहाँ पे जो है स्टेशन जो है उस पर से निकल चुके हैं, ट्रेन स्टार्ट हो चुका है. सो गाइस, रिएक्शन जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है. रिएक्शंस पता नहीं आवाज़ आ रहा है कि नहीं आपको, क्योंकि माइक में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया कल में. तो और दिखाते हैं इनके रिएक्शन देखते हैं आप. सो गाइस, यहाँ पे थोड़े लोग हैं, तो अभी यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ पे रिएक्शंस कैसा आता है. तो पीछे वाले जो सीट्स पे हैं अच्छे खासे लोग हैं, उतने ज़्यादा भी नहीं है, उतने कम भी नहीं है. तो ट्रेन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, अभी हमें अभयपुर स्टेशन में. तो अभी हम देखते हैं ये लोग कैसा रिएक्शंस देते हैं हमें. सो गाइस, माझगांव स्टेशन आने वाला है, तो वहाँ पे फिर से हम उतरेंगे. उतर के जो है हम दूसरे बोगी में जाएंगे और वहाँ पे अपने रिएक्शन जो है वो कैप्चर करेंगे. चलिए उतरते हैं और देखते हैं. सो गाइस, माझगांव स्टेशन में जो है वो ट्रेन रुक चुका है, तो अभी इस वाले बोगी में जाएंगे. इस वाले बोगी में जाके हम रिएक्शंस कैप्चर करेंगे कि यहाँ पे कैसे रिएक्शंस आते हैं. वहाँ पे तो कोई रिएक्शंस आया नहीं ज़्यादा, सिर्फ 4-5 लोगों ने ही रिएक्शन किया. इस वाले बोगी में देखते हैं कितने रिएक्शंस आते हैं. उसके बाद एकदम बहुत स्टेशन में जाएंगे, स्टेशन में रिकॉर्ड करेंगे. स्टेशन में शायद ज़्यादा मतलब रिएक्शंस आएगा, यहाँ पे बहुत धूप है. तो अंदर सुगाइस, लगते हैं यहाँ पे कोई क्रॉसिंग है, इसलिए ट्रेन को जो यहाँ पे रोक दिया गया है, तो थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा हम लोगों को. सुगाइस, हमने जो है वो बोगी चेंज कर लिया यहाँ पे, तो अभी हम आ गए हैं दूसरे डब्बे में. तो यहाँ पे देखते रहे, तो अभी जो ट्रेन है वो माझगांव स्टेशन से जो है वो रिलीज कर दिया गया है. तो आगे देखते हैं, अभी बहुत स्टेशन आने वाला है इसके बाद, ये लास्ट स्टेशन है. तो यही लास्ट डब्बा हम लोग जो है, लास्ट बोगी
उसको एक्सचेंज किया। अभी सीधा आपको मैं भोपाल स्टेशन का रिव्यू दिखाऊंगा। तो यहाँ जो अब ट्रेन का ब्लॉक था यहीं पे ख़त्म करते हैं और डायरेक्ट सीधे अभी स्टेशन पे मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी जो है हम भोपाल स्टेशन पे आ गए हैं, तो यहाँ पे अब रिएक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेन रुकेगा, उतरने वाला है अभी यहाँ से। तो स्टेशन जो है वो आ चुका है, अभी यहाँ पे हम उतरेंगे, उतर के देखेंगे यहाँ पे कैसे रिएक्शंस आते हैं। सो गाइस अभी जो हम स्टेशन में आ चुके हैं, अभी यहाँ पे देखते हैं लोगों का रिएक्शंस कैसा होता है। तो और जो भैया है वो बाहर में आ चुके हैं, तो चलिए अब बाहर की तरफ चलते हैं और देखते हैं रिएक्शंस कैसा आता है। एक आया और देखते हैं आगे भी और लोग हैं, वो लोग का रिएक्शंस देखते हैं। एक और एक और एक भैया थे मेरे साथ ट्रेन में, यूट्यूबर, तो अभी ट्रेन में ही है क्योंकि उनका कुछ छूट गया था, वो पहले उतर गए थे फिर वापस गए, तो अभी फिर से उसे लेने गए हैं। और भैया जो है देखते हैं जाके आए हैं कि नहीं। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आसपास और रिएक्शन भी अच्छा आ रहा है हम लोग के यहाँ के मुकाबले, ट्रेन में भी इतना अच्छा रिएक्शन नहीं आया। तो कैसे आगे देखते हैं। ओ भैया आ गए हैं जो जिनसे हमें मीट हुआ था स्टेशन में, इनका भी यूट्यूब चैनल है दो। तो भैया ने तो भैया ने मुझे बहुत अच्छे टिप्स दिए यूट्यूब चैनल को ग्रो करने का, तो उसके लिए थैंक यू भैया। भैया आपका घर कहाँ पे है? डोलाई गाँव में। तो अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? गुवाहाटी से। भैया ने जैसे कि कहा तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, वरना हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आएगी आपके पास। और ऐसे भी YouTube का आजकल एक प्रॉब्लम है, नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद भी किसी के पास नोटिफिकेशन बहुत लेट से जाता है ना भैया, तो उसके वजह से बहुत व्यूज जो है लोगों को कम आने लगे हैं। अभी हम टिकट काउंटर के सामने हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे रिएक्शंस आते हैं। तो वैसे यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है और भैया जा रहे हैं, भैया देखते हैं यहाँ पे कैसे जो है रिएक्शंस आते हैं। बहुत सारे भैया के लिए वेट कर रहे हैं, भैया को आने देते हैं, फिर जाके देखते हैं। भैया ने तो बोला बाहर में है वो, थोड़ा वेट करते हैं। सो गाइस वहाँ पे भैया खड़े हैं, तो भैया और भैया के दोस्त आए हैं एक। ये रहे भैया। गाइस मेरे भैया और भैया के दोस्त आ चुके हैं, ये रहे मेरे भैया और ये भैया के दोस्त थे। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से आगे की तरफ। तो गाइज आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, अगला ब्लॉग जल्दी ही आने वाला है।